हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेयर ग्राफ्टिंग के रिजल्ट्स बताना चाहता हूं। हमने तीन प्रकार से ग्राफ्टिंग की थी, सील्ड ग्राफ्टिंग, रिंग ग्राफ्टिंग और टी ग्राफ्टिंग। तो आज हम दो रिजल्ट दिखाने जा रहे हैं, वह यहाँ सील्ड ग्राफ्टिंग का है। अंकुर निकलना चालू हो गया, 17 सितंबर का है, लगभग 20 दिन होने जा रहे हैं। देखिए गए हैं तो हम देखिएगा, यहाँ सील्ड ग्राफ्टिंग है, प्याज ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने कहा था कि सर बेर की ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हो रही है, तो आपको बताना चाहूँगा कि बेर की ग्राफ्टिंग जैसी सरल ग्राफ्टिंग और किसी चीज़ की नहीं है। बस सायन बेस्ट चाहिए, सायन भी मैंने अपने वीडियो में डाल तो कहा हाउ टू सिलेक्ट सायन। तो मेरा आप जो वीडियो देखते हैं वहाँ पर मेरा फोटो आता है, नाम आता है, उस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आती, देखिएगा होम वीडियोज प्लेलिस्ट इस प्रकार। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, ये देखिएगा प्लेलिस्ट। उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलेंगे। तो जैसे मैंगो ग्राफ्टिंग है तो यहाँ पर 110 वीडियोज है, तो इस पर क्लिक करोगे मैंगो ग्राफ्टिंग तो आपको 110 वीडियोज देखने मिलेंगे। इसके बाद में सपोटा ग्राफ्टिंग, चीकू ग्राफ्टिंग, इसके आपको 10 वीडियोज मिलेंगे यहाँ क्लिक करोगे तो। इस प्रकार बार्क ग्राफ्टिंग ऑन बिग मैंगोज तो आपके यहाँ से 29 वीडियोज मिलेंगे। और तो इस प्रकार ये बंच दिया हुआ है कितने कितने ग्राफ्टिंग्स है। मैंगो ग्राफ्टिंग रिजल्ट एंड केयर, इसके आपको 53 वीडियोज है। इसके बाद में बेयर ग्राफ्टिंग, ये देखिएगा बेयर ग्राफ्टिंग के 33 वीडियोज है। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको बिल्कुल यहाँ 33 वीडियोज आपको अब देखने मिलेगी। ये देखिएगा इस प्रकार, ये ऐसा स्क्रॉल करके जो भी वीडियो आपको देखना है वो देख सकते हैं। यहाँ पूरे 33 वीडियोज आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ देखिएगा सील्ड ग्राफ्टिंग, प्याज ग्राफ्टिंग लिखा है, बेर पेड़ पे प्याज कलम, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको इस प्रकार यहाँ वीडियो देखने मिलेगा, यहाँ ख्याल में रखिएगा। तो आपको अगर डेट देखने की है तो यहाँ पर एक सिंबल होता है, जो हमारा सील्ड ग्राफ्टिंग वगैरह जो डिस्क्रिप्शन रहता है वहाँ पर एक सिंबल होता है, इस पर क्लिक कीजिएगा एरो वाला, ये तो यहाँ आपको डेट दिखने मिले, पब्लिश ऑन 17 सितंबर 2020। यानी आपको यहाँ पर डेट किस प्रकार, किस वीडियो की कब अपलोड की गई है उसका आपको ब्यौरा मिल जाता है। तो आप मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स थे, धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि भई आप सर डेट डालिए। तो सर जी आपको मैं एक रिक्वेस्ट है, डेट तो डालने की कोशिश करूँगा लेकिन आप यहाँ वीडियो के नीचे जो नाम रहता है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, ये जो ये इस प्रकार का सील्ड ग्राफ्टिंग वगैरह मैंगो ग्राफ्टिंग, तो इस प्रकार इसको ऐसा क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ ऐसा क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर पब्लिश्ड करके लिखता है, पब्लिश्ड ऑन 17 सितंबर 2020। इस प्रकार आपको हम जब भी वीडियो बनाते हैं उसके तुरंत 2-3 दिन के अंदर यह वीडियो पब्लिश कर देते हैं, तो समझ लेने का वो डेट आपकी वीडियो की या जो ग्राफ्टिंग की है। तो थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ बेयर ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के बाद, अंकुर बढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, हाउ टू टेक केयर एंड किस प्रकार की केयर लेने की। तो यहाँ जब तक लगभग 2 इंच नहीं बढ़ जाता, 2 इंच जब तक नहीं बढ़ जाता, इतना लंबा लगभग नहीं बढ़ जाता अंकुर, पूरा पत्ते नहीं निकल जाए, तब तक इसको छोड़ने का नहीं। इतना लंबा होने के बाद में यहाँ पूरी पॉलीथीन पीछे से ब्लेड मार के निकाल लेने की, और उस पर आपको इंसेक्टिसाइड मार देने का है, जैसे कोई भी इंसेक्टिसाइड, एग्रीकल्चर शॉप या कृषि केंद्र में जाने का और वहां पर उसको बोलना इंसेक्टिसाइड दीजिए, बोलना बेर के पत्तों पे, आम के पत्तों पे जो कीटक लगते हैं उसे मारने के लिए, तो हल्का स्प्रे कर देने का, ताकि क्योंकि इस पर इल्लियाँ जल्दी लगती है कोले पत्तों पे, तो इसलिए आपको इस पर 7-7 दिन में आपको इस पर स्प्रे करते रहे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।